यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर के मुस्लिम समाज के लोगों में भी खुशी है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सीएम बनने की खुशी में उनके गोरखनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग गाजे बाजू के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के आसपास के अल्पसंख्यक समाज के लोगों का गोरखपीठ के से कई पुष्पों का नाता है। उस सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने मंदिर भी जाते रहते हैं। गोरखपुर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलडोजर पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में जालीदार टोपी, ढोल नगाड़े, अबीर गुलाल, पोस्टर लेकर बुलडोजर पर सवार लोगों को देखकर हर कोई हैरान हो गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की खुशी में आज मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रसूलपुर में लोगों में अबीर गुलाल बुला करके मिठाइयां बांट करके और साथ में बुलडोजर चला करके खुशी का इजहार किया। अमेठी की जहां चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी भड़ास निकाली है। डॉक्टर संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर उनके खिलाफ राजनीति करने वालों को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गलत विचारों के लोग हैं उन्हें वो बहुत जल्द ठीक करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय सिंह अमेठी विधानसभा सीट से सपा की महराजी देवी से चुनाव हार गए और अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बीपी गंगा वाली वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गलत विचारों के लोग वो चाहे भाजपा में है, चाहे सपा में है, चाहे बसपा में है, उनको सबको हम मस्त उनका दिमाग हम ठीक करेंगे। और अगर दबंगई की राजनीति हम नहीं करते इसका मतलब कि हम दबंग नहीं है, ऐसा नहीं। हम आपके सम्मान को, आपके स्वाभिमान को, आपकी सुरक्षा को कभी भी हम कोई पट्टा कभी नहीं रखने देंगे। जब तक हमारे में सांस है, जब तक हम जिंदा है अमेठी की जनता, आपके लिए हम हर समय मौजूद, आपको कभी नहीं रहेंगे।